हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से, राजदूत। AICC के निर्देश पर आज बीकानेर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला जाग धर्मशाला में संपन्न। बीकानेर AICC के निर्देश पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की संभागीय कार्यशाला बीकानेर के पुराना चुंगी नाका गजनेर रोड स्थित जाग धर्मशाला के हॉल में संपन्न होगी। इस कार्यशाला को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी SC ST माइनॉरिटी व OBC विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय के राजू जी, AICC SC विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेश लिलथिया जी, अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव जी, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष MD चौकदार जी, AICC से श्री गंगानगर लोकसभा के पर्यवेक्षक नौशाद सोलंकी, GLDM के टीम लीडर्स, LDM के लोकसभा समन्वयक, LDM के विधानसभा समन्वयक व संभाग के वरिष्ठ नेतागण संबोधित किया। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गोगा देवी नायक ने भी संबोधित करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है कांग्रेस पार्टी की, जहाँ पर ST OBC की कार्यशाला करवाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंच रही है। आज कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम संभाग स्तरीय जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन बीकानेर संभाग का था और बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। और जो कार्यकर्ता सब जुड़े थे इसके अंदर इस कार्यक्रम में, जो उत्साह उनके चेहरे पे देखने को मिला और जिस तरीके का विश्वास उन लोगों ने दिखाया कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 की 5 रिजर्व सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 सीटों के साथ राजस्थान प्रदेश के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे। और जो अशोक गहलोत जी ने जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, घुमंतू समाज के लिए जो बनाई हैं, जो क्रियान्वित की हैं, जिससे सीधे तौर पर किसानों को फ़ायदा हो रहा है, लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है, गरीब वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि जितनी सीटें पिछली बार हमने जीती थी उसमें प्लस करके हम इस बार भी सरकार बनाए।